Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक धमाकेदार गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है रेलवेज की तरफ से RPF SIN कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. फ्रेंड्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है तो रेलवे मिनिस्टर के थ्रू ना ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके इन्फॉर्म कर दिया गया कि बहुत जल्दी हम सभी के बीच SIN कॉन्स्टेबल के वेरियस पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट आने वाली है जिसमें आपको ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों ही सीट्स रहने वाली है. ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल वे में बात करने वाले हैं हम लोग कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या रखा गया है. साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एग्जाम की पैटर्न, इनिशियल इनहैंड सैलरी सारा कुछ बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होना तो वीडियो के एंड तक बने रहना. तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू कि RPF कॉन्स्टेबल एंड SI रिक्रूटमेंट आई है 2023 के लिए. टोटल पोस्ट आपको जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट के थ्रू बताई गई है आपको 12,000 के अप्रॉक्स आपका सीट रहने वाला है दोनों पोस्ट को कंबाइन करके. और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये अनाउंसमेंट भी की गई थी कि फीमेल्स के लिए 50% सीट्स का रिजर्वेशन रहने वाला है. मतलब कि जहाँ पे 12,000 सीट है ना वहाँ पे 6,000 सीट ना फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है. तो ये तो और भी अच्छी बात है, फीमेल्स को अच्छी प्रेफरेंस मिल रही है. तो फीमेल्स कैंडिडेट जो भी है वो ज़्यादा अच्छे से आप अपने प्रिपरेशन को करो, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है. तो चलिए पहले बता दूँ आपको RPF कॉन्स्टेबल के रिगार्डिंग कि आपका एज लिमिट क्या रखा गया है. आपका मिनिमम एज 18 इयर्स है एंड मैक्सिमम 25 इयर्स रहने वाला है. रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. अब देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है RPF कॉन्स्टेबल के लिए. तो RPF कॉन्स्टेबल के लिए मिनिमम ना अगर आप 10th पास आउट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. तो चलो अब हम लोग एग्ज़ाम की पैटर्न देख लेते हैं. फ्रेंड्स, आपका 120 क्वेश्चन का होगा, 120 मार्क्स के लिए. टाइम आपको मिलता है 90 मिनट्स, मतलब कि डेढ़ घंटे का पेपर होगा. 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए. निगेटिव मार्किंग भी होता है यहाँ पे 1/3 का. तो आओ अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है कितने मार्क्स के लिए. रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए एंड जीके जीएस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए. मतलब कि आपके एग्जाम में जो इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपका जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है. तो आप नॉर्मली जनरल कंपटीशन की तैयारी सब करते हो, जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि आपको रेलवे का अगर जॉब करना है कोई सा भी हो, NTPC, ग्रुप डी, कॉन्स्टेबल हो, SI हो, सब में ना फ्रेंड्स आपका वेटेज जो होता है जीके एंड जीएस का होता है. सो फ्रेंड्स, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है मैं आपको बता देती हूँ. सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल होता है. आपका फर्स्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, देन होता है आपका PET एंड PMT, मतलब कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट. उसके बाद होता है DV. तो जैसे मैंने आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम पैटर्न बता दिया है कॉन्स्टेबल के लिए, तो अब हम लोग इसका फिजिकल देख लेते हैं क्या PET एंड PST रखा गया. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको PST यानी आपका फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट होगा उसमें हाइट का मेजरमेंट होता है. मेल्स का मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रहना चाहिए, फीमेल्स का 157 सेंटीमीटर. चेस्ट मेल्स के लिए 80-85 सेंटीमीटर एंड फीमेल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसकी. रनिंग 1600 मीटर की होती है, 5 मिनट 45 सेकेंड में मेल कैंडिडेट्स को कंप्लीट करना होता है. फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है, 3 मिनट 45 सेकेंड में उनको कंप्लीट करना होता है. देन होता है आपका हाई जंप, 4 फीट का मेल के लिए, 3 फीट का फीमेल्स के लिए. उसके बाद है फ्रेंड्स आपका लॉन्ग जंप. लॉन्ग जंप है आपका 14 फीट मेल के लिए, 9 फीट आपका फीमेल्स के लिए. तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग RPF का जो SI पोस्ट है उसके लिए आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ.
एज यू कैन सी आपका एज लिमिट जो है ना फ्रेंड्स, मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स होता है। यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स का एंड एससी एसटी को 5 इयर्स का एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। सो उसके बाद बारी आती है हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी वेरी सिंपल। जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट होंगे इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, चाहे आपका कोई भी परसेंटेज हो, डजंट मैटर कि आपका कौन सा स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप सिंपली ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसका भी फ्रेंड्स जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है मेजर 3 स्टेज पे डिपेंडेबल होता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देन होता है आपका पीईटी एंड पीएमटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिर होता है आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आओ पहले हम लोग आरपीएफ का एसआई जो पोस्ट है उसके लिए एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, टाइम 90 मिनट्स, निगेटिव मार्किंग 1/3 का, मींस कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए 1.5 घंटे का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का आपका रहेगा। तो चलो हम लोग सब्जेक्ट वाइज फ्रेंड्स देख लेते हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स के लिए। एज आई टोल्ड यू कि इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है जीके जीएस का, तो उसकी अच्छी प्रिपरेशन आपको रखनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ आरपीएफ का जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है उसके लिए पीईटी एंड पीएमटी क्या रहने वाला है, मतलब कि फिजिकल का जो क्राइटेरिया है क्या रखा गया। सबसे पहले होता है आपका हाइट मेजरमेंट, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होता है एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स मेल के लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर होता है, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर होता है, एससी एसटी फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है। चेस्ट रिक्वायरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की होती है 80-85 सेंटीमीटर का रहता है। रनिंग होती है मेल्स के लिए 600 मीटर की 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है, फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है 4 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है। हाई जंप होता है मेल्स के लिए 3 फीट 9 इंच का, फीमेल्स के लिए 3 फीट का। लॉन्ग जंप होता है मेल्स के लिए 12 फीट का एंड फीमेल्स के लिए 9 फीट का। सो अब बारी आती है फ्रेंड्स आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है। तो जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया का रहेगा, आप जिस जोन से अप्लाई करोगे आपको रेलवे के थ्रू वहां पे एलोकेट करके आपको सर्व करना पड़ सकता है। तो चलो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि सैलरी क्या रहने वाला है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का सैलरी क्या रहता है। आपका 25,000 टू लेके आपका 70,000 के बीच में ये सैलरी रहता है, मतलब कि फ्रेंड्स आप जब ज्वाइनिंग करते हो ना तो आपका 25,000 के अप्रॉक्स सैलरी मिलता है। धीरे धीरे आपको इंक्रीमेंट वगैरह होता है, इसमें आपको सिटी वाइज डिपेंड करता है कि सिटी वाइज आपका इंक्रीज और सैलरी बढ़ सकता है और घटता तो नहीं है फ्रेंड्स, इतना तय कि आपको मिनिमम 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। जब लास्ट आप जब होता है ना कि इंक्रीमेंट वगैरह हो गया, आप रिटायर होने वाले हो, तो आपका 70K के अप्रॉक्स सैलरी हो जाता है। वही अगर हम लोग आरपीएफ एसआई के लिए देख रहे तो फ्रेंड्स ये ग्रुप बी की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो आपका ना स्टार्टिंग होता है 43,000 से एंड लास्ट जो आपका होता है ना अप्रॉक्स सैलरी 52,000 के अप्रॉक्स रहता है। मतलब कि फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन वगैरह में कहने के लिए होता है। इंस्पेक्टर की पोस्ट है, डबल स्टार रहेगा, एक आपको रुतबा ही अलग मिलता है, अच्छी पोस्ट है। सैलरी ना फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में ही 45,000-50,000 के अप्रॉक्स मिलता है और जब आप रिटायर होके आते हो ना उस टाइम तक आपका सैलरी 80K-90K तक चला जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। हाँ मैं जानती हूँ आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अभी तक तो आया ही नहीं है वैकेंसी, तो आप कैसे अपने मन से बता रही हो। फ्रेंड्स ऑफिशियली अनाउंसमेंट का मतलब ही होता है कि जिस विभाग के तरफ से ये वैकेंसी निकाले जाने वाली है उसने आपको नोटिफिकेशन दे दिया, आप अपनी तैयारी में लग जाओ, वो कभी भी फॉर्म निकाल देगा और चांसेस ये है कि आपका अप्रैल 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो आपका जो सितंबर टू अक्टूबर के बीच में ना ये फॉर्म ऑब्वियसली हम सबके बीच में आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है कि आपका एक्सपेक्टेड डेट क्या है फॉर्म का, बहुत जल्द आएगा, आप अपनी तैयारी को बस स्पीड को बूस्ट कर दो।
सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताया है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो आप ना कमेंट सेक्शन में आके पूछो, मैं वहां पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जाओ वहां पे भी फॉलो करो, सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भर भर के लाइक भी करते जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी अपकमिंग जॉब रिक्रूटमेंट की वीडियो मिल सके। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, शेयर कर दिया करो। और मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।